चिलचिलाती धूप है, मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्त भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद। तो ही सेड अकबर साहब खुशखबरी है, अब चार मीनार बदलेगा, पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट होगा, 10 साल हथेली में जन्नत दिखाते रहे बीआरएस, क्या यह इंसाफ है? क्या यह इंसाफ है पुराने शहर के साथ? फाउंडेशन स्टोन रख दिए, कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है, तक कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा? सर ये सही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असेंबली को हिलाकर रख दिया। जो प्रजा पलायन के एप्लीकेशन फॉर्म्स डाले उससे मुतालिक भी सवाल उठाया और कहा कि अगर एक जने फॉर्म डालने के लिए 100 रुपये खर्चा करे तो 1,25,00,000 लोगों ने फॉर्म डाले तो टोटल कितने पैसे खर्चा हुए। आज तेलंगाना असेंबली का 4th दिन था, लेकिन अचानक बीच में अकबरुद्दीन अवैसी की तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये बोलते रहे। I am not well, sir, unwell, but still I had to participate in this budget speech, so I had come, sir. Sir, we believe that the beneficiaries do not change with every change of the government. और इसके अलावा अकबरुद्दीन अवैसी को कांग्रेस से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी ऐलान कर दिया, अगर अकबरुद्दीन अवैसी कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं तो। भाई भाई, मैं अभी वादा कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बीफॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने का जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। साहब साहब का साहब का मेरा दोस्त मेरा बीफॉर्म मेरा पार्टी के बीफॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदारी, आने का भी जरूरी नहीं है, नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा दे के मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा, इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने जो पहले प्रजा पलायन के फॉर्म को लेकर आवाज उठाई, पहले वो वीडियो आपको बताएंगे, उसके बाद में ओल्ड सिटी में जो मेट्रो आने वाला है उसको लेकर आवाज उठाई, और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी को जवाब भी दिया इससे मुतालिक, दोनों का आपको वीडियो बताते हैं। प्रजा पालन एप्लीकेशन अगर 100 रुपये भी अगर हम ले लेते हैं साहब, तो बेचारे गरीब के गरीब अगर 100 रुपये भी कुछ जीरोक्स करा के एप्लीकेशन दिया, 100 रुपये या रक्षे में गया ऑटो में गया एक एप्लीकेशन डालने के लिए, तो जुमला दरखास्तें 1,25,00,000, 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे गरीबों के चले गए साहब, कितने चले गए आप बोलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने पैसे गरीब ने खर्चे हैं उससे बढ़ के आप उसको देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं साहब, ऑब्वियसली एंड आई एम श्योर यू विल गिव। भाई आप बुरा मत मानिए प्लीज, डोंट गेट अपसेट सर। सर रुपीज 125.85 करोड़ ऑन वन डे देर वेजेस ऑफ रुपीज 500 सर, और उसका डेली वेजेस 500 रुपये साहब उसका, उन्हें जाके काम करता वो डेली वेजेस पे भी नहीं गया उन्हें, नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई फाई गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है, मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में, मुझे दिखा वैसा। देखिए प्लीज सर, सर ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव टू बी टॉलरेंट सर, वी हैव टू हैव पेशेंस सर, वी कैनॉट बी सो इनटॉलरेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ट्रेजरी बेंचेस शुड नॉट फील बैड सर अबाउट इट सर। मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात क्या कर रहा हूं, मैं मोदी साहब को भी तनकीद कर रहा हूं और मोदी साहब की वो बात को भी याद कर रहा हूं कि मोदी साहब किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा दिए थे, लोग गिर रहे थे पड़ रहे थे, और वो डिमोनेटाइजेशन ही वजह थी जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई, और आज गरीब आपके भी 5 गारंटीज के उम्मीद में तवक्को में मजदूरी को नहीं गया, आपने एक दिन की तनख्वाह काटा जेब से पैसे निकालकर 1,25,00,000 दरखास्तें दिया है, जरा हमदर्दी के साथ इनका काम करिए, इतना ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं सर। और सर वेन सर अब जैसा ये लोग गुस्से में आ रहे, ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमेंट वाले गुस्से में आ रहे, मैं ऐसा बोला सर, आई रिमेंबर सर देन वेन आई स्पोक ऑन डिमोनेटाइजेशन,
उस वक्त भी ये लोग गुस्से में आए थे. I was the only person who stood and said के I oppose the demonetization. तो I remember KCR साहब उठ के बोले, अकबर साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. अकबर साहब आपके जुमले गलत है, डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, ऐसा बोले KCR साहब. मुझे याद है आज वो भी. मिस्टर अकबर, यू नेवर अटेंडेड द ओल्ड सिटी फाउंडेशन स्टोन. यस आई से नाउ, आई डिडंट अटेंड. द रीजन बिहाइंड इज दैट देयर वॉज नो एजेंसी which was given the contract to execute this work. This is how you lay the foundations? Without a tender being called, without a contract being given, without an agency has been given the responsibility of the work, you have to just lay the foundations? Is this justice? Kya ye insaaf hai? Kya ye insaaf hai purane shahar ke saath? फाउंडेशन स्टोन रख दिए, कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है. एल एन टी सेज के वॉट एवर अमाउंट वॉज गिवन टू मी वॉज अप्रूव फॉर द कॉरिडोर्स. आई हैव ऑलरेडी स्पेंड दैट अमाउंट. आई डू नॉट हैव द अमाउंट. आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द ओल्ड सिटी कॉरिडोर. सो द क्वेश्चन अराइजेस के हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द ओल्ड सिटी कॉरिडोर. वाई हैज द फाउंडेशन बीन लेड? वाई हैज इट बीन लेड? कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा? सर ये सही नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि दिस विल बी करेक्टेड एंड इमीडिएटली ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट. सर इट इज वेरी सैड. सर आई वेलकम. सर वी अंडरस्टैंड दैट द हैदराबाद मेट्रो ट्रेन हैज डिक्लाइन टू फुलफिल द obligation of laying the old city line for corridor from Imliman to Falaknuma, sir. But at the same time, sir, we welcome that Honorable Chief Minister Sahab had said that Chandran Gutta will be made a hub and airport se aa raha hai, sab aa raha hai. BRS ne bhi humare saath na insaafi ki, humare saath insaaf nahi kiya. बार बार बोलते रहे कि पुराने शहर में मेट्रो, हां ला लेंगे, रेल के छुक छुक चलेगी. KTR साहब ने असेंबली में कहा था यहीं से, हां अकबर साहब छुक छुक चलेगी. आपके पास ना छुक छुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल रही है. सवाल हो रहे हैं सर. अब सर एटलीस्ट सर आई एक्सपेक्ट दैट रेवंत रेड्डी साहब, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. Yes, I want to come on record. Yes, he is a very good friend of mine. Akhruddin Owaisi, मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का जरूरी नहीं है. अकबर साहब ने कहा, मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ. 10 साल गलत दोस्ती करने की वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया. अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ. पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी. दिस इज नॉट ओल्ड सिटी, दिस इज ओरिजिनल सिटी. हैदराबाद इज आवर ओरिजिनल सिटी. दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहाँ से आएंगे? सर इसीलिए जॉइंट वेंचर JV मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1. द एजेंसी इज गोइंग टू टेक अप दिस वर्क, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है और 45% लोन आउट ऑफ FRBM. क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे. और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब. इसमें हम पक्का प्लानिंग किए. अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रयान गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा. मैं वादा कर रहा हूं. अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो आपके चंद्रयान गुट्टा में. मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रयान गुट्टा में कांग्रेस OBC को आपको ज्यादा प्यार है. OBC के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्रास कम्युनिटी को चंद्रयान गुट्टा से.
मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरा टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई भाई मैं अभी वादा कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बीफॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने का जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। साहब साहब का साहब का मेरा दोस्त मेरा बीफॉर्म मेरा पार्टी के बीफॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है, नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा, इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। एंड ऑल द हाउस वाज इनटू लाफ्टर सर, बट आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट आई एम हैप्पी इन माय पार्टी। अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुसलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। आज का असेंबली सेशन तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा, आप लोग क्या राय से मुताबिक कमेंट जरूर करिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में लिखा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।